हो गया। उसके निकालना है ना आपको, ये देखेंगे पल्लव में जो मैंने ये फूल लगाया था, इस ये वाला पिन मैंने इस्तेमाल किया था, ये पतला वाला पिन आपको दिख रहा होगा ये पिन। और ये सिंगल सिंगल उस समय जो माला मैंने लिया हुआ था, एक ही लिया था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, उन उसके पास एक ही था, उसके बाद मार्केट जा ही नहीं पाए थे, तो इस तरह उनके पल्लव में लगाया था। इस सबको इस तरह से एक एक करके खोल के फिर से मुझे ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं, ये जो मैंने बनाया था, पर्पल का एक अलग था माला और ऑरेंज का अलग था, और इसमें चार चार करके था, जिससे कि जिसमें कि मैंने ये एक एक निकाला है, तो इसमें तीन तीन है, आप देख रहे हैं ये तीन लेयर का है, जबकि चार चार था, तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इन सबसे मैंने एक एक करके निकाल के फिर इस तरह से जो इसको बनाया था इसमें डाला हुआ था, ये देखेंगे तो इसको भी एक एक करके मुझे अभी निकालना है। ये आम का पल्लव सूख गया है जो कि मैंने गेट पर लगाया था, तो ये सूख गया है, इसको भी मैं इस तरह से एक एक करके खोलूँगी, इस तरह से यहाँ से तीन निकालूँगी, तीन को एक कटोरे वगैरह में रखते जाऊँगी, और यहाँ से फिर ये फ्लावर निकाल कर इस तरह से फिर से, और इसका जो मैं बचा कर ये रखी हूँ इसमें फिर से मुझे उसी तरह से गेंदा का फूल बनाना है, जो कि ये एक बार में ख़त्म होने वाला नहीं है, ये एक साल दो साल तीन साल आप जितना इसको संभाल के रखिएगा उतना ये आपके काम में आने वाला है, तो जितना आप अच्छे से रख सकते हैं। मैंने तो इस बार सोच लिया, इस बार जो मैं दुर्गा पूजा में घर गई थी तो वहाँ पर तो बहुत मुश्किल हो रहा था फूल मिलना, तो ये मैं लेकर जाऊँगी। हेलो डियर, कैसे हो आप लोग। जो मैं आपने जो सुबह का देखा वो सुबह का वीडियो था, जब मैं नहाने के पहले वो गेट से माला उतार रही थी और फिर सारे फूल को मैंने निकाल कर रखा है, लेकिन अभी पिन से मैंने नहीं खोला है। दिन इतना छोटा करता है, आप सोचते रह जाइएगा ये काम करूँ वो काम करूँ, और इतनी तेज़ी से समय निकल जाता है कि कुछ भी नहीं कर पाते हैं, काफ़ी छोटा दिन कर रहा है। 12 बजे से बाबू का ऑनलाइन क्लास होता है, ऑनलाइन क्लास के लिए जब तक आप ऑफिस भेज के ऑनलाइन क्लास के लिए खुद को तैयार करिएगा तब तक आपका 1 बज गया, और 12 बजे के बाद तो और भी तेज़ी से दिन ख़त्म हो जाता है। मतलब हर दिन सोचती हूँ आज इस चीज़ का कटिंग करके स्टिचिंग करना है, आज ये चीज़ आयरन करना है, लेकिन मैं वही है कि 3 से 5 पवित्र रिश्ता देखती हूँ तो कुछ ना कुछ उस समय मैं ज़रूर करती हूँ। आज मैंने बहुत सारे पेटीकॉट में आयरन किया है, बहुत सारे पेटीकॉट में, और मैं दिखाती हूँ आपको कितने सारे पेटीकॉट में मैंने आयरन किया है। ये देखिए इतने सारे पेटीकॉट में मैंने आज आयरन किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और भी बहुत सारे पेटीकॉट थे, लेकिन बस इतना ही कर पाई क्योंकि समय इतना तेज़ी से निकल जा रहा है कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है इंसान, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या किया जा सकता है। और आप लोग बताइएगा आप लोगों में से किन किन ने स्वेटर निकाला और पहनना शुरू कर दिया। मैंने भी पहना नहीं है, लेकिन हाँ बाबू को पहनाना शुरू कर दिया, ये भी ऑफिस लेके आते हैं, मैं अभी नहीं पहन रही हूँ लेकिन कल से मैं भी पहनूंगी। तो ये मैंने पेटीकॉट दिखाया आयरन करने के बाद, मैंने सोचा था जब आयरन कंप्लीट हो जाएगा और जब समय बच जाएगा तो मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने दीपावली के दिन पहना हुआ था ये रेड और ब्लू, इसको अगर आप लोग फेसबुक पर मुझे फॉलो कर रहे हैं नम्रता पांडे के नाम से, तो उसमें आपने ये ड्रेस मुझे पहने हुए आप ज़रूर देखे होंगे, और जो नहीं देखे हैं वो नम्रता पांडे के नाम से फेसबुक पर देखिएगा। तो मैंने अपने पिछले बर्थडे में इसको वेयर किया हुआ था, और 1 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, तो मैंने नीचे जो है इसकी तुरपाई नहीं की हुई थी, ऐसे ही छोड़ दिया था, सही लग रहा था ये, लेकिन अब मैंने सोचा है कि इसकी तुरपाई करूँगी, तो आज नीचे में जो दीपावली के दिन पहनकर मैं नीचे चली गई थी थोड़ा गंदा वगैरह लग गया था, तो इसको मैंने धुलकर आज भर नीचे ही साइड मैंने इसको धोया था, और इसको थोड़ा सा इक्वल कर दूँगी जहाँ बड़ा छोटा है, और नीचे इसको तुरपाई करूँगी। अब देखती हूँ इसको अब कब कर पाती हूँ, ये दो चीज़, और ये देखेंगे ये जो रजाई है, ये रजाई ये लेकर आए हैं, और ये हल्की ठंडी के लिए है, पूरी ठंडी के लिए नहीं, ये प्योर रुई का है, मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि ये लेकर आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो आप देखेंगे ये काफ़ी अच्छा लगता है, अगर आप आइडिया ना दें और अचानक से इस तरह का सामान आपके घर में आ जाए तो मन खुश हो जाता है। तो इसमें ये बेडशीट, डबल बेडशीट है, और ये पीलो कवर है, दो पीलो कवर, शायद मैंने अभी पूरा खोला नहीं है, ये पीलो कवर ही है, मैं भी अभी खोल के देख ही लेती हूँ। नीचे तो डबल बेडशीट लिखा हुआ ही है, लेकिन ये पीलो कवर ही है, हाँ ये पीलो कवर है, तो ये दो पीलो कवर इस तरह से ये, और सेम कलर का ये बेडशीट आपका हो गया, और सेम ही कलर की ये रजाई हो गई, कवर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ों को मैंने देखा, ये कल रात में ही लेकर आए थे, मुझे लगा आप लोगों को दिखा देते हैं। इसका तो उद्घाटन कर ही लिया, अभी किया है क्योंकि दिन भर इसको धूप में सुखाया था, बेडशीट सीट तो धोऊंगी फिर।
और कुछ कपड़े बचे हुए हैं, ये देखेंगे आप। ये नेट का कपड़ा है, कैसा लग रहा है देखिएगा और बताइएगा ज़रूर। ये 4 मीटर है, मैंने इसको रखा था। मैं पटना के खेतान मार्केट, जहाँ कदम कुआँ है खेतान मार्केट, वहाँ गई थी। तो मैं 1 साल पहले ही गई थी वहीं पर, मुझे कुछ फैब्रिक पसंद आया था तो वहाँ से मैंने कुछ कुछ फैब्रिक ले लिया था। तो एक बैग में काफ़ी रखा हुआ है, फैब्रिक है, टसल्स है। तो आज तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, खाना पीना नहीं बना रही हूँ अभी। मैंने सोचा था कुछ शाम में अच्छा रेसिपी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी तक कुछ प्लानिंग नहीं है। तो कुछ कपड़े हैं जो कि इकट्ठे हो गए हैं मेरे पास, तो बस इसका सोच रही हूँ बेल्ट वाला स्कर्ट बना लूँ। तो वही अब देखूँगी क्या कर पाती हूँ। और निमान आप लोगों में से किस किस में होता है ज़रूर बताइएगा। हम लोगों में निमान होता है, तो अगले महीने 4-5 तारीख को ये बोल रहे हैं मैके जाने के लिए। छठ और दीपावली में ससुराल जाना था लेकिन कोई एक्सपायर कर गया तो उसमें हम लोग गए नहीं। अब बोल रहे हैं अगले महीने मेरे मैके जाने के लिए, अब मैके के नाम पढ़ने की और पूछ ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन ठंड से मुझे इतना डर लगता है, मैं अब सोच रही हूँ ये निमान कैंसिल करके मकर संक्रांति में चली जाऊँ। लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि कोरोना भी अब काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और ठंडा में तो और भी तेज़ी से फैल रहा है। तो ठंडा में तो नहा नहीं सकते हैं, कपड़े वो अगर अकेले रहेंगे तो चेंज कर लेंगे लेकिन नहाना तो मुश्किल है ठंडा में। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कुछ दिन मैके रह के 10-15 दिन फिर वहाँ मतलब दुर्गा पूजा में जो गई थी अपने ससुराल वहाँ रह लूँगी, उसके बाद जैसे ठंडा कम होगा फिर ये लेते आएंगे। अब देखते हैं क्या प्लानिंग है। आज तो मैंने बैग भी निकाल लिया है मैके जाने के नाम से, थोड़ी सी खुशी हुई लेकिन ठंड जो इस तरह देख रही हूँ तो हिम्मत भी नहीं हो रही है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, तो जैसे जो होगा प्लानिंग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। हेलो डियर, मैंने इस ब्लॉग का एंड नहीं किया था रात में, तो मैंने सोचा अभी कर देती हूँ। तो अभी लगभग 10:15 हो रहे हैं, ये ऑफिस चले गए लेकिन मैंने नहाया नहीं है, तो मैं अभी नहाने जा रही थी। तो मैंने सोचा इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। मैंने आप लोगों से पूछा था स्वेटर पहनना किस किसने शुरू किया, ये भी बताइएगा। लड़वा खाना किस किसने शुरू किया है, किस किसके घर में लड़वा आ गया, ये देखिए इसका लड़वा खाना शुरू हो गया है। दिखाइए इधर, बोलिए आप लोग भी खाइए, आप लोग भी खाइए, आइए यहाँ मेरे यहाँ आइए और लड़वा खाइए। अब आइए मेरे पास खाइए, बोलिए सबको हाय करिए, हेलो हेलो। तो मैंने आप लोगों को प्लाजो स्टिचिंग करते हुए दिखाया था, कटिंग मैंने पहले ही किया था। आज मैं आपको प्लाजो दिखाना चाहूँगी। ये देखेंगे प्लाजो इस तरह से मैंने ये नीचे में इसको ओपन रखा हुआ है 2 इंच के आसपास और नीचे में तुरपाई की हुई है और काफ़ी अच्छा ये प्लाजो फिटिंग में आया था। और इसको मैंने इसके फ्रंट में ये बेल्ट लगाया है, बुकरम के साथ बेल्ट लगाया है और पीछे मैंने ये इलास्टिक दी हुई है। काफ़ी अच्छा फिनिशिंग इसका आया था। और मैंने 1 साइडेड जो है यहाँ पर आप देखेंगे ये पॉकेट डाला हुआ है, मैंने 1 साइडेड ही डाला। मैंने ये मैं पहली बार बना रही थी, आता तो मुझे हर चीज़ बनाने के लिए, मैंने इसको पहली बार बनाया तो मैंने सोचा एक ही साइड देकर देखती हूँ। तो मैंने राइट साइड इसको डाला हुआ है और ये प्लाजो फिनिशिंग में काफ़ी अच्छा आया है। पहन के मैंने कहा था आपको दिखाऊंगी, तो पहन के भी मैं अभी दिखा दूंगी, पहन के भी मैं किसी वीडियो में आपको दिखा दूंगी। अभी तो फिलहाल ये मैंने बनाया है, कंप्लीट किया है, तो आपको ये दिखा रही हूँ। तो ज़रूर बताइएगा, देखकर ही लग रहा है कि ये कितना फिनिशिंग में आया है। और भी कई सारे कपड़े पड़े हुए हैं जिसका कि मुझे कुछ ना कुछ बनाना है। एक पंजाबी जो सलवार आता है उसको बनाने का सोच रही हूँ, उसमें मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आता है, वो जो सारा चुन आगे आ जाता है तो आगे से देखने में काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन पीछे बिल्कुल प्लेन रहता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि उस तरह का बनाकर पीछे में भी कुछ चुन्नट डाल दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उस तरह का मैं सोच रही हूँ, क्या है कि वो जो कपड़ा है जो सूट मैं बनाने वाली हूँ काफ़ी खूबसूरत है, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो उसका जो सलवार का कपड़ा है उसमें लगभग 3-3.5 मीटर है, तो अच्छा हैवी पटियाला बन सकता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूँगी मैं आपसे अपने एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बने रहिए इस चैनल पे, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग के साथ, बाय बाय। बाय बाय करिए आप, बाय बाय करिए, बाय बाय। गाड़ी दिखा दो ना, गाड़ी देखिएगा आप, बाय बाय करिए ना, कितने करिएगा, एक हाथ में आपका लड़वा है एक हाथ में गाड़ी है, कितने करिएगा, बाय 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 बाय।